जयगांव महानगर पालिका चुनाव में तीन कॉर्पोरेटर जो थे वहां पर, उन्होंने शिवसेना के मेयर के कैंडिडेट को और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसकी वजह से पार्टी की जो बेसिक पॉलिसी है उसको बड़ा धक्का पहुंचा है। जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस आई, राष्ट्रवादी, समाजवादी की गवर्नमेंट बनी थी, तो अवेसी साहब ने स्टैंड लिया था पत्रकार बंधुओं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि अभी कल ही जलगांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। जलगांव में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तीन कॉर्पोरेटर्स हैं, और ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि उनको चुनकर आने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बम्बई से पूना, पूना से जलगांव का सफ़र किया। एक बात और सुनने में है जो बताना चाहता हूँ, जिसका मैं गवाह हूँ। हमने 6 उम्मीदवार खड़े किए थे, 7 पहुँचने में बहुत देर हो गई थी, सभा का आखिरी दिन था, साहब ने सिर्फ 6 मिनट भाषण किया और हमारे 3 कॉर्पोरेटर चुन किया है। तो कहने का बात यह है कि मजलिस के जो भी कॉर्पोरेटर चुन के आए थे वो पार्टी के नाम पर, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर चुनकर आए थे। हमारे जो भी चुनकर आते हैं, वो कॉर्पोरेटर हो के आमदार हो के खासदार हो, हम ये समझते हैं कि पार्टी की जो नीति है, जो पॉलिसी है और पार्टी का जो एजेंडा है, उस पर उन्होंने काम करना चाहिए। अभी जलगांव महानगर पालिका चुनाव में 3 कॉर्पोरेटर जो थे वहाँ पर, उन्होंने शिवसेना के मेयर के कैंडिडेट को और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसकी वजह से पार्टी की जो बेसिक पॉलिसी है उसको बड़ा धक्का पहुंचा है। जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस आई, राष्ट्रवादी, समाजवादी की गवर्नमेंट बनी थी, तो अवेसी साहब ने स्टैंड लिया था, ना हम इस अगाइंस के साथ में जाएंगे जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, ना हम बीजेपी के साथ में जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे। और यही भूमिका पूरे महाराष्ट्र के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तय की। बेसिक बात यह है कि इन 3 कॉर्पोरेटर्स के जाने की वजह से मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो नीति और पॉलिसी है उसको एक धक्का पहुँचा है। जिन मतदाताओं ने विश्वास के साथ हमको वोट दिया था, हमने उनके विश्वास को नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए पार्टी हाईकमान के आदेश पर हमने उनको शोकाज नोटिस दिए, हमने उनको सस्पेंड किया। अगर शोकाज नोटिस के जवाब के बाद वो जवाब हम पार्टी हाईकमान के पास भेजेंगे, अगर हमको समझ में आता है कि उनको माफ़ किया जाए, माफ़ नहीं किया जाए या सख्त कार्रवाई की जाए, वो पार्टी हाईकमान के जो सदर हैं, महाराष्ट्र का सदर इम्तियाज़ जगरी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके बात पर लिया जाएगा। उसकी एक कॉपी हम आपको दे देते हैं, और आपसे इस बात की विनंती है कि इसको पब्लिश कीजिए। वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, हम ये बताना चाहते हैं साफ साफ कि हमारा ना बीजेपी के साथ कोई साठ गांठ है, ना शिवसेना के साथ कोई साठ गांठ है, और इनकी कॉर्पोरेटर की जो हरकत है इसको पार्टी सख्त नापसंदीदा, पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज़ मानती है। क्यों? तो हम पहले दिन से कहते आ गए हैं कि हमको इन ताकतों के साथ किसी भी किस्म का गठजोड़ या संबंध नहीं रखना है। हम इनके खिलाफ खड़े भी हैं, हम एक ऐसी ताकत बन के खड़े हैं जो ये तमाम ताकतों के खिलाफ
जंग रंगना चाहते हैं। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्शन हुए थे, आपके 25 नगर से उन्होंने बीजेपी शिवसेना के आमदार को चुन के दिए थे, जब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? कौन सी बात बोला तुम? बीजेपी MLC इलेक्शन अंबादास दानवे को चुन के दिए। अच्छा, जो वो स्थानीय चुनाव हुआ था। जी जी, देखिए उस वक्त मैं महाराष्ट्र का प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था। आपका ये कहना कि 25 कॉर्पोरेटर ने किसको वोट दिया वो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर डे वन से बात तो खत्म, मैं जवाब सुनता देता हूँ, मगर डे वन से बात तय है कि हम शिवसेना का साथ नहीं देंगे। सर अमरावती में भी तो एक, 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 एक उसका जवाब हूँ देता हूँ। और आपने जो हमसे हम पे जो आरोप लगाया है, हमने आरोप नहीं लगाया। हाँ सुनो भाई, ये ऑलरेडी मीडिया के न्यूज़ छपी हुई है, पेपरों में छपी हुई है, उनको किसका आदेश था? सुनो, मतदान करो करके। सुनो, 10 लाख रुपए लिए तो सुनो ना, हमारे जो उस वक्त के गट नेता थे नासिर सिद्दीकी, उनका भी स्टेटमेंट आया था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब थे, उन सब ने यह कहा था कि हमने शिवसेना को वोट नहीं किया। बगा वो विषय चूंकि मेरे कार्यकाल का नहीं है और उस मामले में आपने जो कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, इसके उस विषय पे मैं उत्तर देना जो मुनासिब था मैं दे दिया हूँ, इससे आगे तो मैं दे नहीं सकता। हमारे डॉक्टर साहब जो इलेक्शन में खड़े थे ये इलाके से, कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर गफ्फार खादी साहब। अच्छा, जब इलेक्शन में खड़े थे यहाँ से, हाँ, तो आपके ही कुछ कॉर्पोरेटर बीजेपी को सपोर्ट करे थे, ये आपको मालूम नहीं? मालूम है सर, नहीं हो सकता। अमरावती में भी अभी 2-4 दिन पहले आपके कॉर्पोरेटर ने शिवसेना को सपोर्ट किया। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अमरावती की जो स्टोरी है ना, अमरावती में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अमरावती में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव था। स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा के 9 और इनके बाकी के 7 कॉर्पोरेटर है, इस तरह से 16 की स्टैंडिंग कमेटी है। वहाँ की यूनिट ने हमारे 2 स्टैंडिंग के मेंबर हैं, शिवसेना का 1 है, कांग्रेस के 3 हैं। देखो ना, 2 हो गए कितने हो गए, 3, 3 से 6, 1 BSP का है। वहाँ के इन लोगों ने तय किया कि हम भाजपा को सत्ता में आने नहीं देंगे, इसलिए सब ने तय किया कि अपन चुनाव लड़ेंगे। मगर उसके बावजूद भी मैंने पूछा था कि सूचक अनुमोदक कौन था, हमको शिवसेना का या कांग्रेस का सूचक अनुमोदक भी नहीं चलता। फिर ये बातचीत उन्होंने जो की थी उसको हमने हल्के पेट नहीं लिया, हमने उनको बुला के मीटिंग की और ग्रेटर इशू किया, वो आपको प्रेस को नहीं दिए दे देते बोले तो, और उनकी क्या बोलते हैं अपन मगर गोशुमारी बोलते उर्दू में, नहीं कान डिगोर क्या बोलते, कान कान किसका भी है, और वार्निंग दिए कि इसके बाद आपने इस किस्म के फैसले नहीं करना, करना भी है तो प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब हैं या अवेशी साहब हैं, उनके मशवरे के बाद करना चाहिए। तो बगा अमरावती का घटना भी, अमरावती का जो स्टैंडिंग का इलेक्शन है उसको हमने डेप्रिकेट किया, अंग्रेजी में जो वर्ड है अप्रिशिएट करना और डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट बोलता हूँ कंडेम किया, बात बिल्कुल सही है। आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है कि हमारे कोई गेस्चर से ये दिक्कत नहीं आए और प्रैक्टिकली ये बात हो कि हम शिवसेना और भाजपा के बाजू से खड़े हैं। मैं आपको एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ, ओवैसी साहब का भाषण सुनो तो, कि भाजपा शिवसेना नदी का एक किनारा है, मजलिस एक किनारा है, ये 2 किनारे एक नहीं हो सकते। बगा इस बातों की दक्षता, इस बातों की अहमियत है और हमने दक्षता ली है, मगर चूंकि यहाँ तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, 3 मजलिस के कॉर्पोरेटर ने मेयर को डिप्टी मेयर को वोट दिया। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात सुनो ना, जो वहाँ का नाम है ना, देखिए हमने शो कॉज नोटिस जो इशू की है वो है हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष जिया अहमद बागवान, 3 कॉर्पोरेटर्स में उनका हकीकी भाई है
रियाज अहमद बागवान, बाकी दो कारपोरेटर हैं, एक मोहतरमा सईदा यूसुफ शेख और दूसरी मोहतरमा है सुन्ना राजू देशमुख। ये तीनों कारपोरेटर्स को और जिला अध्यक्ष को मिसेस राजू देशमुख कर दो, सुन्ना नाम है SUNNA। ये तीनों कारपोरेटर्स को हमने शोकाज नोटिस बजाई है, उनको परसों के दिन समक्ष बात करने को बुलाया है ताकि उनका एक्सप्लेनेशन रहेंगे, और उनको सस्पेंड किया है पार्टी मेंबरशिप से और पार्टी पोस्ट से। हमारा ऐसा कहना है कि जहां पार्टी का यूनिट काम कर रहा है, कॉर्पोरेटर्स जिला अध्यक्ष के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने सब मिलजुल कर ये खेल खेला है, ये खेल अच्छा नहीं है, इस खेल को हमने कंडेम भी किया है, सख्त कार्रवाई भी करेंगे। मगर एक प्रोसीजर होता है, नोटिस देना, उनका जवाब मंगाना, फिर कार्रवाई करना, इसलिए हमने डॉक्टर साहब मेरा